नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी अनुराग आर के निर्देश पर जिले भर में वांछित गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में थाना जियनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। जियनपुर पुलिस ने क्षेत्र अंतर्गत मारपीट कर हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को व 1 बाल अपचारी पुलिस के अभिरक्षा में। आपको बता दें, पूर्व की घटना तो वादी मुकदमा क्यामुद्दीन पुत्र मोहम्मद नासिर निवासी ग्राम नत्थुपुर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की जनरल स्टोर की दुकान है, जिसमें 19/4/2024 को अहमद पुत्र स्वर्गीय अजमल ग्राम नत्थुपुर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ वादी की दुकान के गेट पर लगा चिंगम उसकी शरीर में सट गया। तो वादी के भतीजे अब्दुल करीम ने चिलकम छुड़वाने को कहा तो उसने मना कर दिया और अहमद वाद विवाद करते हुए अपने घर चला गया। वहीं 21/4/2024 को समय करीब लगभग 8 बजे रात को वादी द्वारा उसके भाई अब्दुल कलाम, भतीजा अरफात व अबू जर समस्त पुत्र मोहम्मद याहिया को चिंगम की बात को लेकर अहमद सहनवाज रहमत पुत्र स्वर्गीय अजमल निवासी नत्थुपुर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ बाल अपचारी चाकू व पंच लेकर आया और जान से मारने की नीयत से वादी के भाई अब्दुल कलाम व भतीजा अरफात व अजूवर को मारने लगे, जिससे वादी व वादी के भाई अब्दुल कलाम व अबूजर व अरफात को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज हेतु सदर अस्पताल में ले जाया गया है। तो डॉक्टर ने वादी के भाई अब्दुल कलाम को मृत घोषित कर दिया है और उनके भतीजे अबूजर व अरफात का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जिसके संबंध में थाना सानी पर मुकदमा संख्या 166/24/302/307 पंजीकृत किया गया है। वहीं आपको बता दें, इसमें 1 बाल अपचारी के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष विवेक कुमार पांडे द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना में धारा 4/25 एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। विवेचना के क्रम में गिरफ्तारी का विवरण बता दें तो आपको थानाध्यक्ष विवेक कुमार पांडे में अमराज द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा संख्या 166/2024/302/307 थाना जियनपुर आजमगढ़ से संबंधित अभियुक्तों अहमद पुत्र स्वर्गीय अजमल, शहबाज पुत्र स्वर्गीय अजमल, रहमत पुत्र स्वर्गीय अजमल, समस्त निवासी नत्थुपुर थाना जियनपुर आजमगढ़ बाल अपचारी को केशवपुर पुलिया के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त शहबाज की जेब से घटना में प्रयुक्त पंच बरामद हुआ है तथा अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, आला कत्ल, लाठी व डंडा अंजान सहित पार्क के पीछे बरामद कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, दिनांक 21/4/2024 को रात्रि लगभग 8:30 बजे थाना जियनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के मध्य विवाद हो गया है, जिस पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो गंभीर चोटें जिनको आई थी उनको तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया और इसमें जो वादी है क़यामुद्दीन उसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा अपराध 302 और 307 में दर्ज किया गया है और जिसमें आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से 1 बालापचारी है, 3 बालिक हैं, उनको मानने जाने से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। जो प्राथमिक तथ्य इसमें प्रकाश में आए हैं वो इस प्रकार हैं कि वादी के दुकान पे जो अभियुक्त है वो आया था और उसकी शर्ट पर चिंगम टॉफी जो होती है वो चिपक गई थी, जिसी बात को लेकर उनमें वाद विवाद हुआ और कहासुनी इतनी तक बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई हुई, जिसमें एक आदमी की इन्होंने चाकू से और पंच के द्वारा मारकर हत्या कर दी।